नमस्कार दैनिक शिव टाइम में आप सभी का जनता का मुद्दा होता है। एक शख्स बड़ी बेबाकी से सामने आते हो और हर समय अवेलेबल आते रहते हैं और मीडिया में छाए हो, इतने नेता नहीं छाए जितने हरजीत सिंह जी छाए हुए हैं। हरजीत सिंह जी जानने का प्रयास करेंगे जिस तरह से प्राइवेट स्कूलों की मनमानी लगातार चल रही, पर सबसे पहले जानेंगे सर करते क्या। मैम हमारा बिजनेस है अपना। बिजनेस किस टाइम करते हो? देखो हमारे बिजनेस में 5-7 आदमी है, ठीक है, तो सारा काम उनके सिर पे छोड़ के आ जाते हो? बिल्कुल भाई, हमने बंदे रखे हुए हैं, वो काम कर रहे हैं। आप क्या करते हो जैसा ना? हाँ? आप क्या करते हो? हम सोशल काम करते हैं। हम बिजनेस कौन चलाएगा? हम ये जनता की सेवा कर रहे हैं। नहीं मैं देखती हूँ पूरा, जब भी देखो आए दिन अपना प्रेस क्लब में पहुंचे होते हो, इंटरव्यू दे रहे होते हो और कोई काम नहीं है। देखो मैडम जी बुजुर्ग हो गए, ठीक है, अब सर जी बुजुर्ग इतनी एनर्जी एनर्जेटिक। देखो एनर्जी तो है, अब बुजुर्ग खाके कुछ नहीं है, दूध का गिलास पीते हैं बस और क्या करते हैं। बस रोटी नहीं खाते हो? नहीं रोटी भी खा लेते हैं पर बड़ी कम खाते हैं, मतलब ज्यादा नहीं, बिल्कुल लिमिट की होती है। और रात को मैं खाना नहीं खाता हूँ। अच्छा, रात को फिट हो? हाँ बिल्कुल। एनर्जी कितनी आती है? एनर्जी कितनी आती है? जैसे आती है भगवान दे रहा है एनर्जी। चल रहा है भगवान ने सिर्फ आपको देने का कॉन्ट्रैक्ट लिया। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा चलिए अरजीत जी एक चीज सवाल पूछे, चलिए हो गया, बड़ा मजाक भी हो गया, कुछ थोड़ा बहुत करना भी चाहिए मजाक, जनता के चेहरों पर हंसी है। प्राइवेट स्कूल लगातार जिस तरह से डॉक्टरेट स्कूल एजुकेशन ने 27 तक छुट्टियों की घोषणा की थी, क्योंकि मौसम अभी भी आज शुक्र है ऊपर वाले का कि सूर्य देवता ने थोड़ा चेहरा अपना दिखाया, पर सुबह देखा आपने 11-12 बजे तक कितनी धुंध थी और रात को भी धुंध होती है, उसके चलते भी आदेश की लगातार धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। और डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन ने, अगर गवर्नमेंट स्कूल बंद है तो प्राइवेट स्कूलों को क्या आपत्ति? आपने भी देखा होगा हमारे पास भी माता पिता के कितने सारे फोन्स काल आए कि हम सामने नहीं आ सकते, बच्चों को सुबह सुबह तड़के स्कूल बुलाया गया था। देखिए रश्मि जी, जब मैं सुबह घर से निकला जीवन नगर से होते हुए शिक्षा निकेतन, तो उसके आगे से मेरी गाड़ी जा रही थी, मैंने देखा काफी चहल पहल है, बच्चे अंदर जा रहे हैं बाहर जा रहे हैं, और जब मैंने गाड़ी रोकी साइड पे, मैंने देखो तुसी जाके, जब मैं गेट पे गया तो गेट के थोड़ा अंदर मैंने वो देखा कि काफी बच्चे विदाउट यूनिफॉर्म, छोटे छोटे बच्चे वहाँ खड़े किए हुए धुंध में उन्होंने, तो क्योंकि उस साइड सतवारी की उधर ना ठंड ज्यादा ही है, मतलब पता है क्या कुछ मेरे ख्याल रिहर्सल चल रही होगी, पर उनकी एज भी छोटी मुझे लग रही थी, तो मैंने कहा ये तो यार डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन का रूल्स का वायलेशन हो रहा है। जी जी। तो अगर उन्होंने कहा है कि 27 तक स्कूल बंद हैं तो बंद कर दो भाई। अच्छा एक बड़ी हैरानगी की बात यह है कि सभी स्कूल वायलेट रूल को तोड़ नहीं रहे, कुछ स्कूल तोड़ रहे हैं। बिल्कुल। जो नामी ग्रामी स्कूल हैं वो रूल्स को तोड़ रहे हैं और बाकी स्कूल नहीं तोड़ रहे। बिल्कुल। मुझे लगता है कि उनकी अप्रोच कुछ ज्यादा ही है। जी जी। मुझे लगता है क्योंकि माता पिता ने ये कहा कि पूरी क्लासों को, जहाँ पर पूरी क्लासों को, यानी फर्स्ट से लेकर 12th तक क्लासों को स्कूल में, और टाइम पहले कल यानी कि 2 बजे तक था, अब 3 बजे तक कर दिया गया है। तो ये कई स्कूल कर रहे हैं, कई मतलब सारे नहीं कर रहे पर कुछ कर रहे, कुछ माता पिता के हमारे पास नाम भी स्कूलों के आए, जिनमें से अभी सुबह भी किसी ने कॉल किया था मेरे को, वो जो कार्मल कॉन्वेंट का स्कूल है, माई फियर है, और उनकी प्रिंसिपल फोन ही नहीं उठाती हमारे। मैंने भी कार्मल कॉन्वेंट स्कूल के बच्चों से बात की है, ठीक है, उन्होंने कहा है हमारा नाम नहीं लेना भाई, हमें भी बुलाया जा रहा है जबरदस्ती प्रैक्टिकल के बहाने, आओ जी स्कूल, आना ही आना है, आना ही आना है। तो ये तो देखो माँ बाप को बच्चों की फिक्र होती है, देखो आपके छोटे छोटे बच्चे होंगे, हमारे होंगे, किसी और के होंगे, वो नहीं चाहेगा कि इतनी ठंड में हम अपने बच्चों को स्कूल भेजें, निमोनिया हो सकता है, बुखार हो सकता है, हो रहा, सबको हो रहा है। देखो उसका जिम्मेवार कौन है? बिल्कुल। देखो को अगर बच्चे को कुछ हो जाए तो उसका उसकी जिम्मेवारी क्या ये स्कूल लेगा? ठीक है, मेरे ख्याल में अगर कोई बच्चा बीमार होता है तो पेरेंट्स को मेरे ख्याल स्कूल के खिलाफ एफआईआर लगानी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। देखो आप जबरदस्ती, देखो आप जबरदस्ती बच्चों को बुला रहे हैं जी आओ जी स्कूल, आओ आओ, आप रूल्स को क्यों नहीं मान रहे? कुछ स्कूल, सभी स्कूल नहीं, कुछ स्कूल डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन के रूल को नहीं मान रहे, ये बहुत गलत है, इनको रूल को मानना चाहिए और डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन को भी चेक करना चाहिए भी कौन से स्कूल हैं जो आपका रूल नहीं मान रहे, उनके खिलाफ एक्शन करो, एक्शन होनी चाहिए, एक्शन भी चाहिए, बिल्कुल जरूरी है ये वाली। हाँ जी देखिए, जब सरकारी स्कूल बंद है, सरकार ने अपनी तरफ से आदेश दिया है, फिर प्राइवेट स्कूल कुछ है वो क्यों नहीं मान रहे, क्या मनमानी है, यानी चल क्या रहा है? देखो मनमानी ये है कि वो सोचते हैं कि हमने डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन जेब में रखा हुआ है, मेरी यही बात है, वो मानते नहीं है। देखो क्यों डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन ने भी तो इसी मौसम के हालात को देखकर छुट्टियां बढ़ाई ना, थोड़ी थोड़ी करके बढ़ाई, पर बढ़ाई तो है ना कि बच्चों को नुकसान ना, बच्चों की सेहत खराब ना। देखो ये फैसला डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन ने इसलिए लिया है कि ठंड बढ़ी है, रीजन ठंड का है, और बड़ा अच्छा काम कर रहे डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। आपने देखा कि सेम बुक्स जो है उन्होंने प्राइवेट और सरकार की बिल्कुल सेम करने जा रहे हैं, और जब ये इम्प्लीमेंट होगा ना फिर हम इस पे बोलेंगे, अभी क्योंकि अभी इम्प्लीमेंट हुआ नहीं, अभी ऑर्डर ही हुआ है, तो जब भी इम्प्लीमेंट हुआ तो ये एक बड़ा अच्छा फैसला सिद्ध होगा, अच्छा कदम होगा। बिल्कुल। और भी देखो रश्मि जी, हफ्ते में 3-3 बार बच्चों की यूनिफॉर्म्स चेंज होती हैं, तो ये क्या हो रहा है?
इस पे भी संज्ञान लेना चाहिए। भाई ये हफ्ते में तीन तीन बार यूनिफॉर्म, इस दिन ये यूनिफॉर्म, इस दिन ये, इसमें तो मैटर ऑफ करप्शन लग रहा है मेरे को। देखो मेरे ख्याल में इसमें जहाँ से वो यूनिफॉर्म लेके आ रहे कमीशन का हिसाब है साफ साफ ना। क्यों भाई तीन दिन यूनिफॉर्म क्यों, एक एक क्यों नहीं भाई, एक ही यूनिफॉर्म में सारा सारा कुछ हो सकता है, और ये तीन तीन यूनिफॉर्म से बच्चों को क्यों चेंज करवाई जा रही है। आदेश आते तो हैं पर इम्प्लीमेंट होने में काफी समय लगता है, और इम्प्लीमेंट होते भी कुछ कुछ स्कूल करते भी है, उसको लागू भी होता है उन पर कुछ लोग नहीं, कुछ स्कूल जो नहीं कर रहे हैं, लगातार मनमानी उनकी जारी है। देखिए एक डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन एक ओहदा है, एक विभाग है जिसके अंतर्गत सारे स्कूल आते, जब उन्होंने आदेश दे दिया सरकारी स्कूल बंद है तो प्राइवेट स्कूल क्यों, किस उनके पीछे क्या यानी कि जो ताकत है जो जिसकी वजह से वो स्कूल धड़ल्ले से वायलेशन कर रहे हैं, धजियां उड़ा रहे हैं, तो उसके बाद भी स्कूल देखो इसके पीछे ये रीजन ये है कि इन स्कूल वालों की अप्रोच बड़ी है। आपने देखा प्रेजेंट स्कूलों के बाहर कितना मुद्दा पीछे उठा इलीगल पार्किंग का, तो बोर्ड भी लगा था वहां पे, एक मीडिया में मैंने बोर्ड भी कहा पढ़ा कि वहां पे प्रिंसिपल ने लिखा था आप दो लाइनों पे पार्किंग कर सकते हैं, वो बड़ी जल्दी उन्होंने वो बोर्ड को हटाया, तो क्योंकि उस इस पे स्कूल के खिलाफ FIR भी हो सकती थी, तो ये रूल्स को मानते कहां हैं। देखो अगर पार्किंग स्पेस नहीं है तो आपने नेशनल हाईवे पे इतने इतने बड़े स्कूल खोल के रखे हुए हैं क्यों, ठीक है पहले पार्किंग का बंदोबस्त करो, वो भी नेशनल हाईवे, गली में तो ठीक है, पूरे नेशनल हाईवे के ऊपर जब छुट्टी होती है आपने देखा पूरी रोड्स बंद हो जाती है। भाई हमारी ट्रैफिक पुलिस में इतनी हिम्मत नहीं है कि उन गाड़ियों की फोटो खींचो भाई, उन पे चालान करो, हिम्मत नहीं है। मैंने किसी से पूछा मेरी दुकान पे ट्रैफिक वाले ना वो आते हैं मतलब लोग सरदार जी पगड़ी लेने आए, मैं पूछता हूँ क्या कहता हूँ नौकरी गवानी यार, वो सीधे बोलते हैं कहते हैं हमारे अफसरों की गाड़ी लगी मेरी नौकरी जानी है, तो वो डरते हैं क्यों, बड़े बड़े स्कूल में बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स के संतरी मंत्री के बच्चे, बिल्कुल बस यही बात है। और मैंने कहा मैं रूल सभी के लिए सेम होना चाहिए, ये नहीं है कि गरीब के लिए अलग रूल है अमीर के लिए अलग है, गाड़ी लगे तो उस पे चलान बिल्कुल एक मिनट में जी। मैंने देखा कल भी, वैसे आपने देखा कल भी बाइक्स पे देखो बच्चे, चाहे वो धार्मिक था वहां भी हमें देखो जो बच्चे आपने तीन तीन बंदे विदाउट हेलमेट घूम रहे थे उनको भी सीखना चाहिए, तो वो बिना हेलमेट के पूरे जम्मू में झंडे लगा के घूम रहे थे, पर ये अगर हेलमेट लगा के घूमते ना एक इतना अच्छा मैसेज जाना था भाई, ये देखो भाई एक तो राम नाम के ये मतलब बोल के बोल रहे हैं ऊपर से हेलमेट भी डाली हुई है और इस रूल को फॉलो कर, इससे इतना और इससे मैसेज जो जाना था ना सोसाइटी में। अच्छा अगर नेक्स्ट टाइम अगर कोई बात सुन रहा है मेरा, कोई बच्चे सुन रहे हैं उनको नेक्स्ट टाइम हेलमेट हेलमेट लगा के उनको जाना चाहिए, और ट्रैफिक पुलिस को सख्ती भी करनी चाहिए, तो उस टाइम आपके कैमरे कहां जाते हैं भाई, उस टाइम भी आपके कैमरे पीछे क्लिक करो फोटो भेजो उनको चलान भेजो भाई, ये तो रूल्स तोड़ रहे हैं आप। तो मेरे ख्याल में इससे हमारे जम्मू कश्मीर में बल्कि हमने जम्मू कश्मीर हमारा है और हमने मिलकर सुधारना है इसको। बिल्कुल अरजी जी, जिस तरह से आदेश तो निकलते हैं, आदेश निकालना जरूरी है या उन्हें लागू करवाना जरूरी है, दो चीजें। देखो निकालना भी जरूरी है और लागू करवाना उससे जरूरी, इम्प्लीमेंट जरूरी है। आप आदेश को निकाल देते हो आगे लागू नहीं हो रहा है तो ये तो फायदा कोई नहीं है। देखो इससे मतलब कि इससे हमारा देश जो है तरक्की नहीं करेगा जी, बिल्कुल। देखो इम्प्लीमेंट होना जरूरी है, और जितने स्कूल के बंदे ओनर्स भी सुन रहे हैं उनको भी चाहिए कि अपने स्कूल में इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा बनाइए, पूरी हीटिंग फैसिलिटी दीजिए, बच्चे अगर स्कूल में जा रहे हैं कि उनको ठंड, अगर आप इतनी फी ले रहे हैं हजार दो हजार महीने की फी ले रहे हैं तो उसमें कम से कम दो महीने हीटिंग फैसिलिटी तो दो, यानी कि फिर तो माँ बाप बड़े बड़े आराम से भेजेंगे जी, हम अपने बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं उनको ठंड नहीं लगेगी, बच्चा हमारा बीमार नहीं होगा, तो ये स्कूल वालों को ऐसा करना चाहिए। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ समाज सेवी अरजीत सिंह जी, जिन्होंने आज जो मुद्दा था बड़ा ही एक चिंता का विषय था, जिस तरह से ठंड का जो कोहराम है लगातार बढ़ता जा रहा, आज थोड़ी सी धूप निकली, देखना शाम तक क्या हालत होगी, यानी अभी भी मौसम में सुधार नहीं है, और इसी सारी चीजों को हालातों को मद्देनजर रखते हुए डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन ने छुट्टियों को 27 जनवरी तक एक्सटेंड किया था, पर वहीं पर कुछ ऐसे प्राइवेट स्कूल थे जिनकी लगातार मनमानी जारी है, वो पूरी क्लासेस को पूरे स्कूल के बच्चों को स्कूल में बुला रहे हैं और क्लासेस भी यानी 3 बजे तक लग रही, माता पिता हमें शिकायत कर रहे हैं, हमारा काम है किसी ना किसी माध्यम से डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन तक यह खबर पहुंचाना कि जो लोग जो स्कूल आपके आदेश की वायलेशन कर रहे हैं, वेला कर रहे हैं, उन पर कार्रवाई जरूर होनी चाहिए, अन्य था ऐसे आर्डर या आदेश निकालने का कोई फन नहीं है, यानी आदेश निकालिए, निकालना भी जरूरी जिस तरह से अरजीत सिंह ने कहा, उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है उसको इंप्लीमेंट करवाना, लागू करवाना। तो जो लोग भी जो स्कूल भी इसकी अवहेलना कर रहे हैं तो जरूर डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन को उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, ताकि आने वाले समय में कोई आदेश निकलता है उसकी वायलेशन करने की कोई हिम्मत ना करे। आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर, क्योंकि लगातार माता पिता के फोन कॉल आ रहे हैं, उनके मैसेजेस आ रहे हैं, वो सामने नहीं आना चाहते क्योंकि वो कहते हैं हमारे बच्चों के साथ ये टीचर जो है
या स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन जिद करेगी कल की इनकी पढ़ाई में बाधा आएगी, तो कोई भी माँ बाप अपने बच्चों के भविष्य को ताक पर रखकर मीडिया के सामने नहीं आना चाहेगा। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिएगा। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।